बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ चिकन मैक्रोनी। बच्चे और बड़े सभी बड़े शौक़ से खाते हैं, तो चलें जी बनाते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है हाफ़ कप के करीब ऑयल, इसको मैंने गरम कर लिया है। अब मैं इसके अंदर डालूँगी 7 से 8 लहसुन के जवे, जिनको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया था। इसको मैंने गोल्डन ब्राउन करना है, बहुत ज़्यादा हमने इसको पकाना नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा सोटे ही करना है। इसके बाद इसके अंदर मैं डालूंगी हाफ कप के करीब चिकन का कीमा। चिकन की बोटियां भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे किया है चिकन का कीमा। अब इसको मैंने थोड़ा सा फ्राई किया है। इसके बाद मैं इसमें डालूंगी एक शिमला मिर्च, जिसको मैंने क्यूब्स में काट लिया था, और आप इसको जूलियन भी कट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं डालूंगी 1/2 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, और नमक डाला है मैंने 1 चम्मच, पिसी हुई काली मिर्च मैंने 1 चम्मच भर के डाली है। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से नमक मिर्चें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसको मैं थोड़ा सा फ्राई करूंगी। इसके बाद मैं डालूंगी एक छोटे साइज़ का बंद गोभी, इसको भी मैंने बारीक बारीक काट लिया था। अब मैं इसको अच्छी तरह से फ्राई करूंगी, और इसके बाद मैं इसमें शामिल कर दूंगी मैक्रोनी बॉईल की हुई। मैक्रोनी को मैंने पानी में 1 चम्मच घी डाल के बॉईल कर लिया था, और उसके बाद मैंने इसका पानी निकाल दिया था। अब यहाँ पर मुझे लगा था थोड़ी सी काली मिर्चें कम है, तो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा नमक और काली मिर्ची शामिल की थी। आप अपने हिसाब नमक और मिर्चें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसमें डालूंगी 1/2 कप के करीब केचप। केचप डालने के बाद, केचप जब मैंने डाला था तो मैंने चूल्हे को बंद कर दिया था, और इसके बाद मैंने इसके अंदर केचप डाल के इसको मैक्रोनी के साथ मिक्स कर लिया। और यहाँ पे ये देखें जी, मैक्रोनी हमारी ये बहुत अच्छे से तैयार हो चुकी है, और ये बहुत मज़ेदार सी मैक्रोनी झटपट बन जाती है और खाने में बहुत मज़ेदार लगती है। तो बनाएं और अपने बच्चों को खिलाएं। तो रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया।